और गुलबर्गा की आवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि यल्लप्पा नायकवडी साहब और अब्दुल रहीम मुल्ला साहब इतने एफिशिएंट और इतने कैपेबल हैं, आने वाले दिनों में गुलबर्गा सिटी एक मॉडल सिटी डेवलप सिटी बनकर उभरेगा। आज गुलबर्गा महानगर पालिके में मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। आज तक गुलबर्गा कारपोरेशन में अनअपोज्ड मेयर इलेक्ट नहीं हुआ था। आज कांग्रेस पार्टी ने एक हिस्ट्री क्रिएट करते हुए यल्लप्पा नायकवडी साहब को और मोहतरमा हिना बेगम साहिबा को मेयर और डिप्टी मेयर, जिनके हस्बैंड अब्दुल रहीम मुल्ला है, उनको डिप्टी मेयर इलेक्ट किया गया है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आरके साहब और प्रियंक खड़गे साहब, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा, चरण प्रकाश पाटिल साहब और आलम प्रभु पाटिल साहब को मैं और पूरे कारपोरेटर्स का जो कंसेंसस एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स के वास्ते मिला है, इसके लिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूं और मेयर और डिप्टी मेयर को कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूं। आज हमारे पास नंबर्स है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनडेमोक्रेटिक तरीके से बैकडोर से अनकॉन्स्टिट्यूशनली लास्ट टाइम भी मेयर बनाई थी और ये टाइम भी अटेम्प्ट ली थी, मगर आज कारपोरेशन में कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेसी को जीत दिलाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जीत दिलाई है। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट करते हुए अपने मेयर को नॉमिनेट किया, इलेक्ट किया। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी जो आज हिस्ट्री क्रिएट की है, कांग्रेस पार्टी की पूरी हाईकमांड को, लीडरशिप को, पूरे कारपोरेटर्स को अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूं और गुलबर्गा की अवाम को यह यकीन दिलाता हूं कि यल्लप्पा नायकवडी साहब और अब्दुल रहीम मुल्ला साहब इतने एफिशिएंट और इतने कैपेबल हैं, आने वाले दिनों में गुलबर्गा सिटी एक मॉडल सिटी डेवलप सिटी बनकर उभरेगा।